देखिए, जब तक आप गुरु को परमात्मा नहीं मानते, तब तक आप उसकी आत्मा के साथ नहीं जुड़ सकते, और जब तक आत्मा के साथ नहीं जुड़ सकते तब तक उसके अंदर की आध्यात्मिक स्थिति आप ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? उसका जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ नॉलेज है, जो कुछ विशेष है उसके अंदर, वो शरीर का विशेष नहीं है ना। वो कोई पहलवान नहीं है कि वो आपको अच्छी कुश्ती लड़ाना सिखा देगा। वो कोई अच्छा तैराक नहीं है कि आपको अच्छा तैराना सिखा देगा। यानी उसके जो कुछ ज्ञान है वो शरीर का ज्ञान नहीं है, उसके आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मा के ज्ञान के लिए आपको उसको परमात्मा मानना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? तो वो विशेष ज्ञान, वो विशेष नॉलेज, वो विशेष स्थिति आपको अनायास ही प्राप्त होगी। और उसके बाद में उसने सालों अंतर्मुखी रह करके जो स्थिति प्राप्त की है, वो स्थिति आपको महसूस होगी। और आपको महसूस होगा परमात्मा मेरे ही भीतर बैठा हुआ है, परमेश्वर मेरे ही अंदर बैठा हुआ है। तो जैसे ही मैंने शिव बाबा को परमात्मा माना, तो उनके अंदर की अंतर्मुखी स्थिति मुझे प्राप्त हो गई। और मुझे प्राप्त होने के बाद में परमात्मा मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे ही अंदर है, इसका मुझे साक्षात्कार हुआ। और साक्षात्कार होने के बाद में फिर सारी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। तो जैसे मेरे भीतर परमात्मा का अनुभव मैं कर रहा हूँ, वैसे प्रत्येक साधक अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करे, स्वयं का गुरु बने, यही समर्पण ध्यान संस्कार का मूल उद्देश्य है। लेकिन अपने भीतर के परमात्मा तक पहुँचने के लिए गुरु को परमात्मा मानना ही पड़ेगा। जब तक नहीं मानते तब तक अंतर्मुखी नहीं हो सकते। ये कैसी प्रक्रिया है? मुंह आपका है, चेहरा आपका है, काला है कि पीला है, वो देखने के लिए आपको मिरर की आवश्यकता है। जब तक मिरर नहीं होगा ना, आप आपका चेहरा होते हुए आपका चेहरा नहीं देख सकते। उसी प्रकार से परमात्मा आपके ही अंदर है, आपके भीतर है। लेकिन जब तक आयना रूपी गुरु हमारे जीवन में नहीं आता, और जब तक हम इसको परमात्मा नहीं मानते, तब तक हमारे भीतर का परमात्मा तक हम नहीं पहुँच सकते। आयना होने से कुछ नहीं होता। आयना होने के बाद आयने के सामने आपको आपका चेहरा लाना ही पड़ेगा। आयना यहाँ रखा है, आप चेहरा यहाँ रखोगे और बोलोगे मुझे मेरा चेहरा दिखना चाहिए, दिखेगा क्या? कभी नहीं दिखेगा। आयने के सामने लाना पड़ेगा, आपके चेहरे को आयने के सामने समर्पित करना पड़ेगा। आयना अगर इतने 2x2 का है, आपको भी आपका चेहरा 2x2 के अंदर लाना पड़ेगा। आयना नहीं तुम्हारे आगे आगे पीछे दौड़ेगा, तुमको आईने के सामने आना पड़ेगा, तुमको आईने के सामने झुकना पड़ेगा, तुमको आईने के सामने समर्पित करना पड़ेगा। जब ऐसा करोगे ना, तभी तुमको तुम्हारा चेहरा दिखेगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही गुरु नहीं तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुमको गुरु के सामने जाना पड़ेगा, तुमको गुरु को समर्पित करना पड़ेगा, तुमको गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारे भीतर का परमात्मा जागृत होगा और परमात्मा की खोज खत्म हो जाएगी। जिन संतों ने, जिन महात्माओं ने कहा है ना, मुझको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो कौन सा पास है, कौन पास है, ये क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे अंदर है। अब जैसे शिरडी के साई बाबा ने, उन्होंने कहा कहाँ परमात्मा को ढूंढने जा रहे हो, परमात्मा इत्था इत्था, यानी जो उन्होंने कहा था ना वही बात। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपको उन बातों को याद दिला रहा हूँ, और वो बातें कितनी सत्य है, कितनी सच है, उसका एहसास करा रहा हूँ। तो अगर आप भी महसूस करोगे ना, तो आपको महसूस होगा परमात्मा आपके भीतर है। और जब परमात्मा पे विश्वास हो जाएगा, परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है, तब किसी बाहरी साधनों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कहीं बाहर जा करके परमात्मा को खोजना, परमात्मा को ढूंढना, परमात्मा को भटकना सब बंद हो जाएगा, और कोई वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। होता है ना, कई लोग ये अंगूठी पहन लेते, वो अंगूठी पहन लेते, ये हार पहन लेते, ये पहन लेते, वो दुनिया भर का पहन लेते,
ताकि परमात्मा तक पहुँच सके। इन सब माध्यमों की भी आवश्यकता नहीं रही, सब छूट जाएगी। देखो मेरे हाथ में दिख रहा है कुछ, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को अंदर अनुभव कर रहे हैं। तो परमात्मा के पाने के लिए हम स्वावलंबी बनो। परमात्मा के लिए आप दूसरे के ऊपर डिपेंड, किसी वस्तु पर डिपेंड मत रहो, किसी व्यक्ति पर डिपेंड मत रहो, किसी गुरु पर डिपेंड मत रहो, किसी स्थान पर डिपेंड मत रहो। आप स्वावलंबी बनो कि परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है, वो आपको अनुभव होगा ही। तो इसलिए गुरु सानिध्य के लिए आवश्यकता नहीं कि गुरु के पास में ही रहा जाए, गुरु के दूर रह करके भी उस सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। होता है ना, कई बार लोग आकर के गुरु के एकदम पैर पड़ते हैं, क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बाबा, गुलाब की सुगंध जब दूर से ली जा सकती है तो गुलाब को मसलने की जरूरत क्या है? उसको कष्ट देने की जरूरत क्या है? उसके पैर पड़ना, उसके पैर को टच करना, उसके शरीर को टच करना है ना क्या? आप अपनी खराब ऊर्जा उसके अंदर डाल रहे हो, तो वो डालने की जरूरत क्या है? उस ऊर्जा को दूर से ग्रहण करो ना, दूर से भी ली जा सकती है। तो गुलाब की सुगंध अगर दूर से ली जा सकती है तो उसके पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक वैसे ही दो ही बातें समझ लो कि गुरु तत्व परमात्मा का चैतन्य है, परमेश्वर का चैतन्य है, और वो चैतन्य जिस माध्यम से बहता है उस माध्यम को हम परमात्मा मानते हैं, और मानेंगे तो उस चैतन्य तक पहुँचेंगे। और दूसरा, गुरु के सानिध्य के लिए आवश्यकता नहीं कि आप गुरु के पास में ही रहो। आप कहीं पे भी रह करके अगर गुरु कार्य करते रहते हो तो अनजाने में आप गुरु के सानिध्य में ही हो, और उसका सानिध्य आपको महसूस होगा। होता है ना, मैं तो लाखों करोड़ों साधकों के साथ सदैव रहता हूँ, लेकिन वो साधक मेरे साथ बहुत कम समय रहते हैं, कम टाइम रहते हैं, लेकिन जितने भी टाइम रहेंगे उनको महसूस होता है ना, अच्छा लगता है। अच्छा लगना, अच्छा यानी आत्मा को अच्छा लगता है। तो जिस समय आत्मा आत्मा के साथ जुड़ती है ना, जैसे उनकी आत्मा जुड़ती है, जुड़ने के बाद में उनको अच्छा अनुभव होता, अच्छी अनुभूति होती। इसलिए गुरु सानिध्य कोई शरीर का सानिध्य नहीं, गुरु शरीर है ही नहीं, तो शरीर का सानिध्य गुरु का सानिध्य कैसे हो सकता है? गुरु तो वो पवित्र और शुद्ध आत्मा है जिस आत्मा को जुड़ने का वर्तमान काल का माध्यम निस्वार्थ प्रेम है। इस निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से उससे आसानी से जुड़ा जा सकता है। आज के समय का ये सरल मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। आप भी अनुभव लेकर के देखो। दूसरा, हिंदू स्थान की संस्कृति में जो जीवंत परमात्मा का बात है ना, वो अन्य कहीं पे भी नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। एक बार विनोबा भावे जी ने गीता लिखी, और गीता लिखने के बाद में उनके शिष्यों ने उनको कहा कि इसको हम एक हिंदुओं का ग्रंथ करके पब्लिश करेंगे। तो उन्होंने कहा, गीता किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, गीता सर्व सामान्य मनुष्य के लिए, प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए उसके लिए उपदेश है। तो इसलिए उसको हिंदुओं का ग्रंथ कह करके उसकी पवित्रता कम मत करो। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है, और वो संस्कृति विशाल है, प्राचीन है, और वो हिंदू संस्कृति दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जिस संस्कृति में जीवंत परमात्मा का उल्लेख है। बोलते ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्।
यानी साक्षात अगर परमेश्वर कहीं है, साक्षात अगर परमात्मा कहीं है, तो वो गुरु के माध्यम से, गुरु साक्षात परब्रह्म है, यानी जीवंत परमात्मा का साक्षात्कार केवल हिंदू संस्कृति में बताया गया है, बाकी कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में जहां भी परमात्मा के माध्यम है, सब माध्यम जो हो चुके हैं वो, जो वर्तमान में नहीं है वो, लेकिन वर्तमान में परमात्मा का माध्यम है, ऐसा केवल हिंदू संस्कृति में है। हिंदू धर्म मत समझो, हिंदू संस्कृति है। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना केवल हिंदू संस्कृति में और कहीं पे भी नहीं, सारा विश्व एक कुटुंब है। इतनी विशाल बात कही गई है। ये दोनों बातें बहुत विशेष है, यानी परमात्मा परमेश्वर जो विश्व चेतना है, वो विश्व चेतना हमको साक्षात वर्तमान रूप में भी प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है, वो माध्यम गुरु है। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। तो ये मंत्र तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस मंत्र का साक्षात्कार हुआ है क्या? क्योंकि मैं भी बचपन से ये मंत्र सुनते आ रहा था, गुरु साक्षात परब्रह्म मान सुनते आ रहा था, लेकिन सुनना कान से होता है, शरीर से होता है, मानना आत्मा से होता है। तो जब मेरे गुरुदेव ने मुझे अनुभूति कराई, जब उनकी अंतर्मुखी शक्तियां मुझे प्राप्त हुई, तो गुरु साक्षात परब्रह्म जो कहा जाता है उसका अनुभव हुआ, उसको अनुभूति हुई। तो हिंदू संस्कृति एक ऐसे संस्कृति है जिसके अंदर जीवंत परमात्मा का कंसेप्ट है। जीवंत परमात्मा मिल सकता है ऐसा बताया गया, ऐसा कोई भी अन्य उपासना पद्धति में नहीं है, अन्य कहीं भी संस्कृति में नहीं है, लेकिन केवल वो मंत्र को बोलना, उस कर्मकांड में लगना से भी ऊपर जाने की आवश्यकता है। अगर हम जाते हैं तो जीवंत गुरु का अनुभव प्राप्त करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं। और दूसरा, गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी है। अभी मेरे भी जीवन में अनेकों गुरु आए, लेकिन वो गुरुओं का चेहरा मोहरा अलग था, गुरुओं के स्थान अलग थे, गुरु दिखने में अलग थे, ऊंचाई में अलग थे, देह का आकार अलग, खूब विभिन्नता थी, लेकिन गुरुओं के शरीर पे चित्त कभी गया ही नहीं ना। सारा चित्त गुरु के भीतर की आत्मा पे गया, तो वो तो समान था, चैतन्य समान था, वाइब्रेशन से एक जैसा था। तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये गुरु अलग है और वो गुरु अलग है। जो लोग गुरु को शरीर समझते हैं ना, वही लोग गुरु में भेद कर सकते हैं, ये मेरा गुरु, ये तेरा गुरु है, ये गुरु ऐसा है, वो गुरु ऐसा है, क्योंकि वो शरीर स्तर पे ले रहे हैं, उसको मनुष्य समझ रहे हैं, उसको शरीर समझ रहे हैं। तो गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व का शरीर माध्यम है। गुरु तत्व शरीर के माध्यम से बहता है। तो मेरे भी जीवन में अनेकों गुरु आए, लेकिन सबके अंदर से बहने वाला गुरु तत्व
एक ही था, समान था, एक जैसा था। दूसरा ना, उनका एक सांकेतिक शब्द होता था, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, ऐसे 3 बार बोलते ही थे, जबकि वो एक दूसरे को कभी मिले नहीं थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते कुछ भी नहीं थे। तो मुझे लगता था शायद मेरा सर बड़ा है इसलिए मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन ऐसा नहीं था। सबका बोलने का उद्देश्य ही था, आने वाला काल, आने वाला समय, वो जानते थे कि इस शरीर के माध्यम से इसके भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा से लाखों लोगों को अमृत पान होने वाला है, लाखों लोगों को परम चैतन्य मिलने वाला है, लाखों लोगों को चैतन्य की प्राप्ति होने वाली है। तो मेरा शरीर बड़ा नहीं था, मेरा हंडा मतलब मेरी आत्मा। वो कोई मेरे शरीर को नहीं देखते थे, ना मेरे सर को देखते थे, मेरे शरीर से उनका भी संबंध नहीं था, उनका भी चित्त शरीर पे नहीं था, उनका भी चित्त मेरे आत्मा के ऊपर था। तो वो आत्मा को हंडा बोलते थे, लेकिन उस समय वो बात समझ में नहीं आई। आज जब लाखों आत्माएं ध्यान के माध्यम से जुड़ी, तो अनुभव हुआ क्यों कहते थे तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। तो थोड़ा समझ लो, गुरु तत्व शरीर नहीं है, गुरु तत्व वो चैतन्य शक्ति है, वो विभिन्न शरीरों से समय समय पे बहते रहती है, और उस वर्तमान के शरीर के बारे में केवल हिंदू संस्कृति में बात की हुई है। हिंदू संस्कृति में कहा गया है गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी परमात्मा अगर वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, तो गुरु के रूप में, ये गुरु का महत्व है। और ये गुरु तत्व का और गुरु का अंतर है, गुरु माध्यम है, गुरु तत्व शाश्वत है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा।